सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनन अग्रवाल और आप मेरे संग खेल रहे हैं मार्वल फ्यूचर फाइट। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मेरे को 10 टोकन मिले हैं चेक इन वाले। चलिए देखते हैं क्या खरीद सकते हैं 10 टोकन में। 10 टोकन में कुछ है ही नहीं खास अच्छी चीज़ खरीदने के लिए, तो हम इसमें बस ब्लैक एंटीमैटर ही खरीदेंगे। फिर देखिए इसमें सपोर्ट करेक्टर आप हमेशा वही प्रीमियम करेक्टर्स चूज़ करिए जो आपके पास ना हो। मेरे पास ये वाले तो हैं इसलिए मैं इनको नहीं ले रहा हूँ। मेरे पास गोश्त पैंथर नहीं है तो इसलिए मैं गोश्त पैंथर को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। वैसे आजकल इसमें कुछ गेम में नए अपग्रेड नहीं आ रहे, तो गेम काफ़ी हद तक बोरिंग हो गया है। लेकिन अभी नया अपडेट आने वाला है तो देखते हैं वो कैसे इफेक्ट करता है गेम को। इनह्यूमन वाला अपडेट आएगा, हम स्नीक पीक देख लेते हैं अगले अपडेट के। पहले स्नीक पीक से देखेंगे स्नीक पीक 1। तो इसमें ये देखिए ब्लैक बोल्ट है, वीडियो देखते हैं। और ये अगस्त अपडेट का भी है स्नीक पीक 2 देखते हैं। चलिए इसमें ये मेड्यूसा है, मेड्यूसा के बारे में दिखा रहे हैं कि मेड्यूसा कैसे होगी अपडेट के बाद। यानी अपडेट के बाद ये लोग इन ह्यूमन को काफ़ी पावरफुल करने वाले हैं। अभी आपने देखा ब्लैकबोर्ड वाला स्नीक पीक, अभी ये मेड्यूसा वाला। मेड्यूसा का है वो, यानी अब ये आखिरकार मार्वल फ्यूचर फाइट वाले इन ह्यूमन्स के साथ जस्टिस कर रहे हैं जिनकी हालत बिल्कुल बेकार हो रखी थी। चलो सही है यार, सही हो जाएंगे अब अपडेट के बाद ये। तभी तुम
इनको भी इस्तेमाल करेंगे, लोगों ने तो इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, सर्वर सर्वर पे चाहिए। स्नीक पीक 3 देखते हैं। तो स्नीक पीक देख के तो लग रहा है कि अपडेट अच्छा ही आएगा ये। चलिए ब्रॉडकास्ट की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ से, ब्रॉडकास्ट के बारे में। August 8 तो इसमें अगर हम ब्रॉडकास्ट देखते हैं तो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। यहाँ पे आईडी दे रखी है कि आईडी कैसे कॉपी करनी होती है, तो उसमें हमें अपना क्योंकि एजेंट कोड और आईडी फिल करनी होगी तभी हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ट्रांसेंड पोटेंशियल मतलब इसमें ये हो गया कि ट्रांजेंट पोटेंशियल करने के बाद जो पोटेंशियल वैकेंट करेक्टर्स होते हैं वो भी T3 करेक्टर्स जितने भी पावरफुल हो जाएंगे जिनसे लोगों ने ज़्यादा यूज़ करें। इसके लिए सारे करेक्टर के सारे गियर्स +25 होने चाहिए और ट्रांजेंट पोटेंशियल स्किल यानी जो हीरो पोटेंशियल अवेकनिंग स्किल है वो level 6 पर होनी चाहिए। और ये रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं कि ट्रांजेंट पोटेंशियल करने के लिए कितने रिसोर्स लगेंगे। उनकी परफॉर्मेंस T3 करेक्टर जितनी हो जाएगी अगर एक बार कर दिया तो ट्रांजेंट पोटेंशियल। इन करेक्टर्स पे फ्री ऑफ चार्ज होगी ट्रांजेंट पोटेंशियल और करेक्टर अपग्रेड्स पे इनका डिस्काउंट मिल गियर अपग्रेड करने पे इनका डिस्काउंट मिलेगा। ब्लू ड्रैगन, रेड स्कल, वॉर टाइगर, मिस्टिक, शेडो शेल, रेड गार्डियन, सनबर्ड, बीटर एबल, डॉक्टर ऑक्टोपस और एमेडेस चो। इसमें एवरेज लेवल के हिसाब से रिवॉर्ड्स मिलेंगे सबको।
सब सारे एवरेज गियर लेवल के हिसाब से। चलिए हमारे पास तो सिर्फ 10 टोकन है, इस पे इवेंट में तो हम ब्लैक एंड वेट देखते हैं। प्रीमियम कैरेक्टर के बायो बड़े कम मिलते हैं, हमने लिख दिया हम प्रीमियम कैरेक्टर को अनलॉक नहीं कर सकते। इसमें 100% करना चाहिए, नहीं तो फिर कभी इसमें अगर 100% कम करते हैं हम तो ये मतलब जितनी परसेंट लिख कर आती है उतनी परसेंट अपग्रेड नहीं होता, उससे कम ही अपग्रेड होता है और मैक्सिमम टाइम उसका हाफ अपग्रेड होता है। इसमें हमेशा टुडेज बॉस खेलना चाहिए क्योंकि उसमें क्या है रिवॉर्ड ज़्यादा मिलते हैं, तो उससे आप थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। अपने करेक्टर्स को अपग्रेड वगैरह इसमें थोड़ा जल्दी कर पाएंगे फिर टुडेज बॉस खेलकर। इसमें रजिस्टर बिल्कुल नहीं मिलता है तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ क्लियर करने में प्रॉब्लम हो जाती है। रिकमेंडेड
वही वाली स्टेज खेलनी चाहिए क्योंकि वो हो जाएगी क्लियर, जिसमें रजिस्टर अगर कम है रिक्वायर्ड से रिकमेंडेड से तो फिर उसमें स्टेज क्लियर करने में प्रॉब्लम पड़ती है। We'll be right back.
इस पे कॉम्बैट पे बेनिफिट है अगर हम अप्रोक्सीमेट मिडनाइट को कॉम्बैट से खेलें तो। Guardians of the Galaxy attack! Thank you.
आपको ये ब्लैक ड्वार्फ की शेप क्लियर करके दिखाता हूँ, इससे इससे बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसमें ब्लास्ट करेक्टर को बेनिफिट है, उसमें जरा दरअसल कॉम्बैट करेक्टर को बेनिफिट है, इसलिए वाली चीज नहीं हो पाई। Thank you.
बात है कि कौन करेक्टर इतना पावरफुल है। और साइक्लोप्स जो है ब्लास्ट में बना तो वीकेस्ट T3 है, इसलिए वो नहीं कर पाया ये स्टेज। लेकिन मेरे हिसाब से आयरन मैन जरूर कर लेगा। अभी बहुत 400 से ज़्यादा ही बायो चेंज हैं, तो लूना स्नो को लेवल 70 करने को लिए।
के T3 है, लेकिन फिर मैंने अपनी टैंजेरीन टीम में रखा हुआ है। मैंने उसे अपनी टैंजेरीन की टीम का लीडर इसलिए बनाया है कि चाहे वो वीकेस्ट T3 हो, लेकिन वो बेस्ट लीडर भी है। उसके आप लीडरशिप की स्किल्स देखेंगे तो वो ऑल अटैक इंक्रीज करता है। क्योंकि जीन ग्रेप वैसे ही पहले इतनी पावरफुल है, और फिर उसके बाद उसमें हमने साइक्लोप्स की लीडरशिप स्किल की वजह से ऑल अटैक भी उसका इंक्रीज कर रखा है। सो जीन ग्रेप जो है लगभग इंडिस्ट्रक्टिबल बन जाती है। इससे कैरेक्टर्स
देखिए 35% इंक्रीज करता है ऑल अटैक्स पे, और ये ऑल डिफेंस भी 25% इंक्रीज करता है। इसलिए साइक्लोप्स को लीडर बनाना मतलब बहुत बहुत अकलमंदी का काम है इस गेम में। बाकी किसी की भी मिशन क्या है, लेस देन 3 फीमेल कैरेक्टर्स लिखा दी। कुछ लोग अनपढ़ करके गेम खेलने आते हैं, मिशन कराते हैं हर समय। लेस देन 3 फीमेल कैरेक्टर साफ साफ लिखा है, लेकिन तीनों मेल कैरेक्टर लिखा गया। लेकिन ये कुछ लोग दिक्कत है, वाला मिशन मिल जाएगा जिसमें से कोई कैरेक्टर लाया।